हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं कुर्मी का साग। जहाँ पर मैं रहती हूँ, कुर्मी के साग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस डिश को ज़्यादातर बंगाली, बिहारी, कोलकाता वाले लोग ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुर्मी का साग है। हम कुर्मी के साग को अच्छी तरह से काट लेंगे। साग में डालने के लिए हमारे पास भिगोया हुआ चना दाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम कुछ इस तरह साग को फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर हम भिगोए हुए चना दाल डाल देंगे, लहसुन और कटी हुई मिर्ची, और इसी के ऊपर हम सरसों तेल ऐड करेंगे और अपने स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालें। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम साग को ढक देंगे। फिर साग को कुक होने के लिए हम गैस पर चढ़ा देंगे। थोड़ी थोड़ी देर देखकर साग को हम चलाएंगे। हमें साग को तब तक कुक करना है जब इसका पानी सारा सूख जाए। तो हमारा साग का पानी जो है यहाँ पर सूख चुका है और ये खाने के लिए रेडी है। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगली रेसिपी के लिए आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें ताकि मैं आपकी मनपसंद की वीडियो लाऊं। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ।